हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको पांच सबसे बड़े मिस्टेक बताऊंगा जो नॉर्मली एक इंसान स्मार्टफोन मतलब नया स्मार्टफोन बाय करते समय जो करता है। तो पांच गलतियां जो है आपको नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहना, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो होगा। और मैं कहता हूँ कि ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपकी लाइफ टाइम ये वीडियो मदद करेगा। मतलब स्मार्टफोन खरीदोगे तो हमेशा ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा किसी भी मामले में। तो वीडियो देखना जरूर, सभी दोस्तों के साथ में, भाई बहन सो भी हो गया, दोस्त फैमिली में किसी के साथ में भी शेयर करते रहना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, मतलब कोई भी अगर स्मार्टफोन लेने जाता है तो वो सोचने लगता है कि एंड्रॉयड ले या फिर आईफोन ले, तो ये डिबेट चलती रहती है। तो आपको बस सिंपली से ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आईफोन जो है वो एक सिंपल है, मतलब उसका जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है वो सिंपल होता है, और इसके अलावा वो यहाँ पर ज़्यादा प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। और अगर आप एंड्रॉयड में जाते हो तो जो चीज़ें आप चाहें वो चीज़ें आप कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में। मतलब एंड्रॉयड में जो है आप कभी भी चीज़ जो है वो अपने कंट्रोल में ला सकते हो, मतलब जो भी चीज़ चाहे आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा एप्पल में नहीं होता है। तो ये चीज़ एक आपको ध्यान में रखनी है। और हाँ, आपको देखना है कि आपको एप्पल के मतलब जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पसंद है या फिर एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पसंद है। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जाना, क्योंकि वो ज़्यादा प्रिफरेबल होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उसका यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका शौक है आईफोन लेने का तो आप ज़रूर से आईफोन के साथ में, मतलब एप्पल के साथ में या फिर आप कह सकते हैं उनके सॉफ्टवेयर के साथ में जा सकते हो। तो ये सबसे पहली चीज़ आपको मतलब गलती नहीं करनी है कि आपको हाँ डिबेट नहीं करना है, जो आपका मन चाहे वो आप ज़रूर कर लेना। इसके बाद में रिक्वायरमेंट्स आप ज़रूर से ध्यान में रख लेना। मतलब कई सारे लोग डायरेक्ट स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सा स्मार्टफोन खरीदे, बस वो निकल पड़ते हैं और बोलते हैं हमको 20,000 में अच्छा स्मार्टफोन दे दो। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले आप चीज़ें लिख लो, मतलब हाँ आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए स्मार्टफोन में। अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखते हो तो ज़्यादा रिफ्रेश रेट देखना, अच्छा डिस्प्ले देखना, ज़्यादा धूप में निकलते हो तो अच्छा डिस्प्ले, ये चीज़ देखना ज़रूर। इसके अलावा ज़्यादा फ़ोटोशूट करते हो तो कैमरा कैसा है वो देखना, ज़्यादा गेमिंग करते हो तो प्रोसेसर कैसा है, ये चीज़ें सारी आप अच्छी तरीके से बैठ कर लिखना और उसके बाद में स्मार्टफोन लेने के लिए जाना। तो ये चीज़ भी आपको सबसे इम्पोर्टेंट करनी है, ना कि ऐसे ही निकल पड़े बाज़ार में और चले स्मार्टफोन लेने के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना और ज़रूर से ट्राई करना। इसके बाद में पहले ही आप एक्सपेंसिव स्मार्टफोन लेने के लिए मत जाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्सपेंसिव स्मार्टफोन लेने के बाद में भी आप खुश नहीं होते, क्योंकि स्मार्टफोन्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है और ये चीज़ें आप पहले चेक नहीं करते हो। हाँ, तो ये प्रॉब्लम्स आती है, तो ज़रूर से अच्छी स्टडी करना स्मार्टफोन्स की और तभी स्मार्टफोन लेने के लिए जाना। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि स्मार्टफोन में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है और कंपेयर ज़रूर करना किसी और स्मार्टफोन से, और तभी जाके वो स्मार्टफोन बाय करना जो भी आप पसंद करते हो। क्योंकि कंपैरिजन से पता चलता है हमको कि ये स्मार्टफोन कितना अच्छा है, क्या क्या चीज़ें इसमें काम करती है और स्पेसिफिकेशंस फीचर्स, और ये चीज़ें ज़रूर से चेक करना स्मार्टफोन लेने से पहले। कई बार क्या होता है कि 20,000 में भी जो स्मार्टफोन आपको मिलता है वो भी सबसे अच्छा होता है, और जो 50,000 में आपको खुशी नहीं मिलती वो 20,000 में मिल जाती है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रख लेना। इसके बाद में टाइम, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। कई सारे लोग ये चीज़ को इग्नोर करते हैं, मतलब टाइम जो होता है कि स्मार्टफोन्स लॉन्च कब होते हैं वो टाइम ज़रूर देखना। कई लोग बीच में ही, मतलब साल के बीच में चले जाते हैं स्मार्टफोन लेने के लिए, जहाँ पर अब मतलब पहले जो ओल्ड स्मार्टफोन्स थे वही जो लोग खरीदते हैं और नए स्मार्टफोन्स के लिए वेट नहीं करते। अगर आप एप्पल के स्मार्टफोन मतलब आईफोन लेना चाहते हैं तो आप सितंबर तक ज़रूर रुकना, क्योंकि हर साल सितंबर में उनके स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं, और उससे पहले अगर जून जुलाई में आप जाते हो तो आपको एप्पल के बहुत ही ओल्ड स्मार्टफोन्स मिलेंगे एक साल पहले वाले। तो ये चीज़ में आपको ध्यान में रखनी है, और एंड्रॉयड का भी देख लेना कि कौन से स्मार्टफोन्स कब लॉन्च होने वाले हैं, और अपकमिंग स्मार्टफोन्स के भी वीडियोस काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बनाते हैं। हाँ, तो ये भी चीज़ आप देख लेना, और ऐसे वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट करके भी ज़रूर बता देना। हाँ, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। इसके बाद में कई सारे लोग जो है वो स्मार्टफोन्स की मतलब लॉन्जिटिविटी ये जो है वो इग्नोर करते हैं। मतलब क्या, मतलब जो है आप ये स्मार्टफोन में ज़रूर देखना कि वो स्मार्टफोन कितने साल तक आपको अपडेट्स देगा। जी हाँ दोस्तों, 3 साल तक, 4 साल तक,
क्योंकि सैमसंग के जो स्मार्टफोन्स में एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, सैमसंग के स्मार्टफोन्स आपको 3-4 साल तक अपडेट्स देते रहते हैं और वो स्मार्टफोन अपडेटेड रहता है। कई सारे स्मार्टफोन्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 1 साल के अपडेट देते हैं, 6 महीने के अपडेट देते हैं और फिर आप वो पुराना सॉफ्टवेयर लेकर ही बैठ जाते हैं अगले 2-3 सालों में और फिर आप पछताने लगते हैं कि काश मैं ये फ़ोन ला लेता। हाँ, तो ये चीज़ आपको भी ध्यान में रखनी है, आपको चेक करना है कि वो स्मार्टफोन कितने साल तक अपडेट देता है, तभी आपको हमेशा नए स्मार्टफोन्स मतलब जो लेटेस्ट लॉन्च होते हैं वही लेने चाहिए, ना कि 1-2 साल पुराने। तो ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा स्मार्टफोन खरीदते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए और आपको ये इम्प्रूवाइज़ करना चाहिए, ऐसे ना कि मैंने आपको अभी बता दिया और हाँ ये वीडियो देखने के बाद में आप उसके बारे में भूल ही जाए। नहीं, ऐसा मत करना, वीडियो देखने के बाद में जो भी चीज़ें हैं मैंने बताई है वो लिख कर ज़रूर से रख लेना और स्मार्टफोन अच्छा सा आपको मिलेगा उसके बाद में, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रख लेना और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। इतनी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बताई, शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना और मैं आपको मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल नेवर ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।